क्लारूस में पीने के पानी को लेके लोगों को बहुत से मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों के मुताबिक इस हवाले से जब हमने कहीं बार कंसर्न महकमे से रुजू किया तो उनके यहाँ से यकीन दहानी के अलावा कुछ भी आज तक सामने नहीं आया। अगरचे कहीं बार हमने एक्जन अस्टर चीफ इंजीनियर तक ये बात पहुँचाई लेकिन उनके ओर से सिर्फ यकीन दहानी हासिल हुई। हमें आज तक पिछले कई सालों से गंदा पानी ही देखने को मिला है जबकि यहाँ के लोगों के पास ऐसी कोई सुविधा वॉयस ही नहीं है जहाँ से वो पानी का इंतजाम कुछ करें। लोगों ने यह भी इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि पिछले एक साल से महकमा हमसे फीस भी वसूल रहा है। इस हवाले से जब हमने कंसर्न असिस्टेंट इंजीनियर से बात की तो उन्होंने क्या कहा? जी देखिए जनाब, वो आप जो बोल रहे हो नाले का पानी है, ये सही बात है कि ये सारी स्कीमें जो कलारूस की है सब नाले की है। इसको जो हमने प्रोजेक्ट बनाया था लस्टियाल कलारूस अंडर लैंग्वेजशिप प्रोग्राम, वो सेक्रेट में पड़ा है, वो अभी तक अकॉर्ड नहीं हुआ है। अगर एक फिल्ट्रेशन प्लांट रिएक्शन फिल्ट्रेशन प्लांट इधर कलारूस में होता, बहुत बड़ा फिल्ट्रेशन प्लांट, तो ये प्रॉब्लम हल हो जाती, मगर बदतमीज से अभी तक वो अकॉर्ड नहीं हुआ। और दूसरी बात यह कि हमने दूसरा प्रोजेक्ट अब जेजेएम में उठाया है कलारूस जो 605 लाख का है, इंशाल्लाह वो इस साल शायद इसकी टेंडर हो जाएगी, फिल्ट्रेशन प्लांट बनेगा, उसके बाद ही साफ पानी चलेगा। वरना हमारे एसआर भी जितने हैं वो सारे दो दो महीनों के बाद, एक एक महीने के बाद सारे गंदे पड़े रहते हैं और उनको सिल्ट क्लियरेंस करके फिर लगता है कि जैसे हमने कुछ किया ही नहीं है, क्योंकि नाले में हर वक्त आप देखते हैं क्योंकि ये हायर एरिया है और बारिशें बहुत गिरती हैं, तो नाले से जितना भी सिल्ट आ जाता है वो सारा एसआर में ही चला जाता है। कुछ एसआर हमने भी देखे हैं जो बिल्कुल इस वक्त भरे पड़े हैं, हालांकि कुछ दिन पहले सैलाब आया था, वो डैमेज भी हुए हैं। तो मतलब रिसेंटली अब डिपार्टमेंट की ओर से क्या ऐसे इकदाम उठाए जाएंगे जिससे कम से कम लोगों को मतलब पानी जो है वो बहाल हो सके? तो जो मतलब सरकार की जो मतलब पॉलिसियाँ हैं वो तो ऐसे लग रहा है कि शायद प्रोजेक्ट आने में सालों लग जाएंगे, लेकिन अब देखिए तब तक तो इतना ही कर सकते हैं, कल से इंशाल्लाह एक दिन में या दो दिन में हमको पानी बंद करना पड़ेगा और एसआरओ की सफाई करनी ही करनी पड़ेगी। लेकिन सबसे बड़ा मसला यहाँ पर तैयब साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि देखिए लोग इस वक्त लगभग ऑलमोस्ट में 100% 70% लोग जो अभी फीस भी मतलब भर रहे हैं, लेकिन आखिर महकमा क्या कर रहा है? चीफ साहब जो एसी साहब है या बाकी जो अफसर आने, क्या उन तक ये बात अभी तक नहीं पहुँची कि नहीं, प्लांट की जरूरत है? पिछले सालों कई सालों से लोग सफर कर रहे हैं, आखिर तभी तो इस साल उनकी डायरेक्शन पर हमने ये 605 लाख का प्रोजेक्ट था ना, उन्हीं की डायरेक्शन जो हमने सबमिट कर दिया, होपफुली इंशाल्लाह इसी साल उसकी टेंडर भी हो जाएगी। यानी कि लोगों को अब राहत की सांस मिलने वाली है, यानी कि एक्सपेक्टेशन है कि इस साल लगभग कलारूस सेक्टर जो है यहाँ पर फिल्ट्रेशन इंशाल्लाह फिल्ट्रेशन प्लांट इंशाल्लाह हो जाएगा। लेकिन कहीं कहीं लोगों ने साथ में ये भी आप कहना चाहोगे, कुछ लोगों ने ये भी इल्जाम आयद किए हैं कि हमारे जो एग्रीमेंट हुआ है जो बिला वजह एग्रीमेंट हुआ है, हमें मतलब पता ही नहीं एग्रीमेंट कैसे हो, 5,000-7,000 की बिल आई है, तो ये क्या मान रहा है, क्या मान? देखिए सर, अगर किसी को ऐसी शिकायत है वो सीधा दफ्तर आ सकता है, हमारे पास बहुत से लोग आए कि हमने रिपोर्ट लिखे भी, उनके कैंसिल कराए भी, अगर ऐसी कोई बात हो, अगर अक्सर कोई इसी तरह बोलेगा वो मत सर बोलने से होता, वो दफ्तर आए दफ्तर में डाल दे, वो कहे कि हमको पानी नहीं चलता है तो उसे देख लेंगे फिर। नहीं मतलब पानी तो चलता है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि पिछले मतलब बिल तो आई 2-3 महीने के पहले, लेकिन उसमें 5,000-7,000 वो तो सीधा दफ्तर में आके एग्जाम साहब के पास ये डाले, अपनी एप्लीकेशन डाले, रेवेन्यू सेक्शन में चेक कराएंगे क्यों इसकी बिल इतनी है, अगर फिर जितने लाइन मैन एस्टर लाइन में उनसे पूछेंगे कि क्या इनको पानी चलता था नहीं चलता था, अगर नहीं चलता होगा तो फिर तो हम वही रिपोर्ट लिखते हैं, वो बिल चेक भी कर सकते हैं।